परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023 आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद, प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव है, सच पूछो मौत का मेहमान है ये आदमी, मौत का मेहमान है आदमी। आदमी जन्म को जन्म समझ लेता है, जिस दिन गर्भ से बाहर आता उस दिन सोचता मेरा जन्म हुआ। लेकिन हमारे आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं, आपने पूजन में पढ़ा भी होगा कि इस दिन इस तिथि के दिन सर्वार सिद्धि ते चये मरुदेवी उराय, वो तिथि पावन हो जाती है जिस दिन जिस जीव आता है, कहाँ से आता है ये ध्यान रखना है, और जीवन भर उसका व्यक्तित्व वैसा ही रहता है। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा कि ज्यादा आसक्ति से मत जीना, आसक्ति में जियोगे तो स्वर्ग भी नरक लगेगा, और विरक्ति में जियोगे तो नरक भी स्वर्ग लगेगा। क्योंकि जीने कैसे जीते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हम उसे सौभाग्यशाली मानते हैं जो बाहर से बहुत विभूति कमा ले। आचार्य कहते हैं सौभाग्यशाली तो वो है जो निज संपत्ति कमा ले। जीने का अधिकार उसकी को, जीने का अधिकार उसी को जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को जिसने मरना सीख लिया है, और फूलों का उपहार इसी को जिसने कांटों पर चलना सीख लिया है। क्योंकि दो रास्ते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। संसारी प्राणी प्रिय रास्ते पर जाता है और मोक्ष मार्गी श्रेय रास्ते पर जाता है। अभी बहुत सुंदर बात पूछी माता जी ने कि आप बताएं कि लोग अंत समय में जीवन भर बहुत धर्म करते हैं, लेकिन अंतरंग हो सकता है आखिरी समय में। हमारे आचार्यों ने कहा ये जरूरी नहीं कि आखिरी टाइम उसका कैसा निकला, क्योंकि यदि ये देखोगे तो कितनी महामुनियों की अंतकृत केवली, उपसर केवली, ये सब क्या हो, घानी में फेल दिए गए, जिंदा जला दिए गए, अग्नि में जला दिया गया और तलवारों से काट दिया गया,
बाहर से देखने वाले को लगेगा कि धर्म ने क्या साथ दिया। जीसस को फांसी दी जानी थी उस दिन, लोग समझ रहे थे कोई चमत्कार होगा, स्वर्ग से देवता आएंगे और फांसी रोक देंगे। लेकिन कहते हैं कांटों का, जिसने कांटों पर चलना सीख लिया है, फूलों का उपहार उसने। उनकी मौत उनके लिए आज जगत पूज्य बना दिया। हमारे मुनियों पर उपसर्ग हुए, पांडव हो चाहे और भी बहुत गजकुमार मुनि आदि हो, लेकिन उनके उपसर्गों ने उन्हें सोने सखरा बना दिया, केवल ज्ञान दिला दिया। और बड़ी सुंदर कुंद कुंद स्वामी रेण सार में बात कहते हैं कि जो पूर्व की कर्म है यदि, तो हो सकता तीव्र बंद किया हो, निदत्ती और निकांचित जैसे कर्मों का बंद किया हो, तो हो सकता है इस समय आप कर रहे हो अच्छा, लेकिन हो सकता है आपके, क्योंकि इस समय भी प्रकृति भी जानती है, आप बीज डालते हो तो आज ही फल नहीं आते। बीज डालने के बाद गेहूं में 60 दिन के बाद, कहीं 80 दिन के बाद बाजरा, गेहूं, ज्वार, सबके एक तौर तरीके होते हैं कि कितने दिन बाद उसमें दाना आएगा और कितने दिन बाद पककर खाने योग्य होगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने आज संभलना है, चिंता नहीं करना। जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। हम जरा सी बात में ज्योतिषी से पूछते हैं, बताना मेरा आगे कैसा रहेगा, अरे हम जो करेंगे वो आगे आएगा। आचार्य कहते हैं कि जो तुमने किया है समझ लो बीज है, वर्तमान का बीज 6 महीने में फल लाता है। यहाँ पर जितनी कसायों से बांधोगे उतने दिनों तक तो उदय में ही नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक उनकी आवादा काल बोलते हैं, ऐसे आपको पता है आपने बच्चे को एडमिशन कराया प्राइमरी में कराया, लेकिन आपको पता है कि एमटेक एमए कब करेगा, वो करेगा बहुत दिनों बाद करेगा, लेकिन आप उतने दिन इंतजार करते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करते हो कि कैसे पढ़ाना, क्या ट्यूशन देना है और क्या होमवर्क कराना, कैसे उसे कुछ संस्कारों से बचाना, तब जाकर 12-14 साल बाद वो डिग्री प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हमें मोक्ष पाना है, आज से संस्कार लाना है। और बहुत सुंदर बात हम लोग रोज पढ़ते हैं कि नागिन अधोलोक स्वामी हरो मान तू देती को अकामी, तुम्ही कल्प वृक्षम तुम्ही काम देनो तुही दीप चिंता मणि नागेन। क्या कहते हैं हम कि भगवान आपने नाग नागिनी को नमोकार सुनाया और वो धरणेन पद्मावती हो गए। हमें कोई कन्नड़ में कुछ सुनाएगा तो समझ में आएगा क्या, जानवर को नमोकार मंत्र सुनाया बेचारे को समझ में आ रहा था, और इतना जल रहा हो, तड़फ रहा हो, अंतिम स्थिति हो, उस समय नमोकार मंत्र को समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, कन्नड़ का व्यक्ति हमसे बोलेगा वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो हमसे ऐसे पूछे, मुस्कुराए, आशीर्वाद दे, मुझे देखकर रोने लगे मेरे दुख को, तो वो हमें समझ में आएगा, क्योंकि नजरें बहुत कुछ कह देती हैं, जुबान खामोश होती है। जब आप ज्यादा प्यार में होते हैं तब भी मौन हो जाते हैं, जब आप ज्यादा क्रोध में होते हैं तब भी मौन हो जाते हैं। प्रेम में आपको दिन छोटे लगते हैं और कसाई में दिन बड़े लगते हैं। प्रेम में कब सुबह हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है, अरे इतना टाइम हो गया पता नहीं चला। और प्रेम में आपकी ऊर्जा विकसित होती है, प्रेम में आप ऊर्ध्वगामी होते हैं, प्रेम में हल्के होते हैं, प्रेम की सांसें चलती हैं तो आपको हल्का, बहुत आनंदित कर देती हैं, आपको स्वस्थ कर देती हैं। और क्रोध कसाई में तकलीफ में जाते हो
तो आप बहुत भारी हो जाते हो, थोड़ी सी बीमारी और बड़ी लगने लगती है। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा कि वो पावर हाउस की तरह थे। पार्स कुमार भले युवा थे, लेकिन जिन्होंने पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाएं भाई हैं, और भावनाएं हम जैसी नहीं कि दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता ये सबकी, और स्वाहा स्वाहा नमा नमा बोले और जय राम जी की। हमारे अंदर से हमारे आचार्यों ने विनय की व्याख्या बहुत सुंदर की है। सम्यक दर्शन का मतलब हम सोचते हैं सात तत्व जान लो, पदार्थ जान लो, द्रव्य जान लो, हो गया। अरे द्रव्य जान लो कि मतलब जानने से क्या होता है, मानने से होता है। हम जानते बहुत कुछ है लेकिन मानते नहीं। हम भगवान को एक मानते हैं लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा जियो और जीने दो, आजकल आदमी कह रहा पियो और पीने दो। उनने कहा भावों को छानना जो पानी छान के निश्चिंत हो जाता। तो वास्तव में वो इतनी शुभ विचार जो इस समय में भी 8 वर्ष तक अणु व्रत धारण की हो, जो ऐसे पुण्यशाली जीव हो जिनके आते ही आने के पहले ही गर्भ में आने के पहले नगरी स्वर्णमय हो गई हो, जिनके गर्भ में आने से देवियां आई हो गर्भ शोधन करने के लिए, सेवा करने के लिए, तमाम जीवन स्वर्ग से भोजन और माने वस्त्र आए हो, ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति इतने शुभ विचारों का आभा मंडल जिसका हो, वो किसी के पास भी जाएगा तो क्षण मात्र को उसकी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। आपको कि माता जी ऐसी कैसे होता है, तो आप अपने घर पर भी देखना, आपका बेटा कोई 20 साल से बाहर गया हो और आपको बहुत तकलीफ हो, आप इतनी तकलीफ में हो कि आप तड़प रहे हो, लेकिन अचानक सुनो कि वो आई गया, तो आते ही क्या होता है, क्षण मात्र को तो आप उससे पूछ ही लेते हो कि बेटा और तू ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हारा उपयोग बदल गया। और दूसरी बात देख लो, आपको सिर दर्द भयंकर हो, डॉक्टर के पास जाओ, वो कहो मर जाएंगे इतना सर दर्द है। डॉक्टर कहे सिर दर्द तो कुछ नहीं, तुम्हें तो वो बीमारी खराब कैंसर है। अब बताओ सर दर्द 1 मिनट में चला जाएगा, कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा। एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा माता जी कोई अध्यात्म की बात बताओ। हमने कि तुम्हारी आयु तो 1-2 दिन की रह गई। उसने चप्पल पहने, मैंने कि अध्यात्म की बात तो सुन जाओ। कहने लगे बाड़ में गई अब अध्यात्म की बात, अब अध्यात्म सुनाई पड़ रहा है। मैं ज्योतिष फोतिष नहीं जानती, चक्कर में मत पड़ जाना नहीं तो मेरा दिमाग खाने लग। मैं तो आपसे बता रही कि सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, ये ठलुआ लोगों को सूझता है। हाँ सच बता दे तो जो बेकार के आदमी वो मंदिरों में जाके ये गलत काम हो गया, ये ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, इसमें ज्यादा पैसा लगा दिया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए, वो 2 ही 3 काम करता है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122001011777, IFSC PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रूपए। 11,000 रूपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रूपए, संरक्षक 2,11,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, सदस्यता 21,000 रूपए 10 वर्ष। चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148 12। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 02120001011772777, IFSC कोड PUNB002120, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 01901333249, IFSC कोड BARB0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।